त्योहारों पर रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को रेल प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। त्योहारों को लेकर रेलवे प्रशासन ने भी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। आने वाले छठ पूजा को लेकर रेलवे प्रशासन ने 6 पेयर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके। इन 3 पेयर में से 1 पेयर अम्बाला होकर गुजरेगा। बता दें, कोरोना काल के बाद इस साल त्योहारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। लोग भी अब कोरोना के डर से बाहर निकल गए हैं, इसलिए अब लोग त्योहार मनाने के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। इसी तरह यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन भी पीछे नहीं है। रेल प्रशासन ने भी त्योहारों पर 3 पेयर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। अम्बाला स्टेशन निदेशक BS गिल ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि छठ पूजा को लेकर रेलवे प्रशासन ने 6 पेयर स्पेशल गाड़ियां चलाने का फैसला किया है, जिसमें से 1 पेयर अम्बाला होकर गुजरेगा। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी पूरी तरह आरक्षित होगी। अम्बाला पासिंग एक ही ट्रेन है जो सरहिंद से सहरसा और वापस है। ये 3 दिन अप में जाएगी, 3 दिन डाउन में, 6 ट्रिप का टोटल ये छठ पूजा के लिए स्पेशल लगाएगी। सर, ये रेलगाड़ी पूरी तरह आरक्षित होगी? पूरी आरक्षित होगी, इसमें कोई अनरिजर्व नहीं है। नहीं, फेस्टिवल सीजन में छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं हर साल, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस साल भी एक्स्ट्रा रश क्लियर करने के लिए गाड़ी चलाई जाएगी। कब से चलेगी ये पहली गाड़ी जो अम्बाला पासिंग है? वो 6/11 से है। 5 को अप में आएगी, 6 को डाउन में जाएगी। इस तरीके से 6 ट्रिप हैं इसके, टोटल 6 पेयर है। हाँ, नहीं, टोटल 6 ट्रिप की बात कर रहे हैं, 3 अप में 3 डाउन में। अम्बाला को अगर हम पूरी बात करें तो 6 पेयर है जो है वो अनाउंस की गई है चलाने के लिए छठ के लिए। खबर नवा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।